ये वीडियो मैंने आप लोग को ये बताने के लिए बनाया है कि मेरा जो वीडियो आप देख पा रहे हैं वो आपको आने वाली 3 क्लासेस में नहीं मिलेगा, थर्ड लेक्चर तक नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का बैच मैंने अलग मेथड से स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल दिखा रहा हूँ, सम सॉल्व करवा रहा हूँ, लिख कर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। थर्ड क्लास के बाद मैंने स्टूडेंट से पूछा जिन्होंने बैच ऑलरेडी ले रखा था, तो उन्होंने कहा कि आपका वीडियो आना चाहिए ताकि हम लोग लेक्चर में देख पाएं कौन बोल रहा है, कंसंट्रेट कर पाएं। नहीं तो क्या होगा, ऑडियो तो सुन रहे हैं बट ध्यान कहीं और जा रहा है, और वीडियो आ रहा है तो वीडियो पर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कि हाँ चीज़ें जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये वीडियो स्पेशली शूट करा है अभी, और फर्स्ट वीडियो से पहले मैंने इसको लगा दिया, एडिट कर दिया एक तरह से, ताकि आपको बता पाऊं कि अगले 3 क्लासेस के बाद आपको मेरा वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, साथ में नोट्स भी मिलेंगे और सारी चीज़ें वैसे चलेगी जैसे हम इनकम टैक्स में पढ़ते थे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर थर्ड वीडियो के बाद, तब तक के लिए पढ़ाई करिए सर, अपना फर्स्ट और सिक्स चैप्टर कंप्लीट करिए। ओके, बाय बाय। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ 100 मार्क्स, विच इज योर पेपर नंबर 3 ऑफ CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। हाँ, CS और CMA वाले स्टूडेंट्स भी देखना चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था कि आपका 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स का थ्योरी है, जिसमें 10 मार्क्स की ऐसी थ्योरी है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो राइट नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस 90 मार्क्स, और आपके जब ये 90 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड के 2 या 3 सेशन में थ्योरी वाले चैप्टर्स पर ले लूंगा, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स पर ले लूंगा, उसके नोट्स भी आपको दे दूंगा। तो फिलहाल हम 90 मार्क्स की डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए अगर किसी चैप्टर में थ्योरी आ रही है और आप कहेंगे सर ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कराया, तो वो कोर थ्योरी है 10 मार्क्स वाली। मेरा फोकस 90 मार्क्स पर है पहले, यानी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशंस करवानी है, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, आपके कॉन्सेप्ट के MCQ टेस्ट लेने हैं, और आपको तैयार करना है इस पेपर में एग्जेम्पशन लाने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच को ज्वाइन कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही अफोर्डेबल बैच यहाँ पर आया है learnsup.com पर, उसका वो बेनिफिट उठा सकते हैं। आप यहाँ कोर्सेज में जाएंगे CA इंटरमीडिएट में, तो यहाँ मैंने लॉन्च कर दिया है CA इंटरमीडिएट का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, MCQ टेस्ट सीरीज मिलेगी, और यहाँ से आप बैच ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर नोट्स का लिंक अपडेट नहीं किया है, तो यहीं पर आगे मैं नोट्स के लिए एक लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, तो सभी लोग फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है, जो लोग पूरा लेना चाहते हैं बैच, 100% कोर्स लेना चाहते हैं, वो डिस्काउंटेड प्राइस का बेनिफिट उठाइए और बैच बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ जाएं। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सर्वर की कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, बाद में जो हमारी पढ़ाने की कॉस्ट है उसको भी हम रिकवर करेंगे। तो अभी आप ही लोगों के लिए हमने फ्री किया हुआ, एक तरह से सिर्फ कॉस्ट पर दे रहे हैं, बिल्कुल ही सर्वर कॉस्ट पर, और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, 11th में, 12th में कभी नहीं पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटेंसी, और इसीलिए इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि मैं टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ, तो वो टैक्सेशन भी जब मैं पढ़ाता हूँ आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता, फर्स्ट टाइम आते हो, उसके बेस स्ट्रांग करने होते हैं आप लोगों के, तो इसीलिए मैंने वो सब्जेक्ट पहले पिक किया था। और अब मैंने दूसरा सब्जेक्ट पिक करा है कॉस्ट अकाउंटेंसी, ताकि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट ऐसे स्ट्रांग कर पाऊं, ऐसे स्ट्रांग बना दूं, जो CA फाइनल में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है उसे भी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर पाएं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं मालूम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का, जीरो मालूम है, उसी से मैं स्टार्ट करूंगा अपना बेस बनाना। एक बात बस ध्यान रख लेना कि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं होते, यहाँ सिंपल सा एक फंडा होता है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मैं यहाँ पर वन नोट ओपन कर लेता हूँ एक बार। जैसे आपको मैथमेटिक्स में लेट्स से कि आपको 15 लिखना है, तो आप 15 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आ रहा है सर 15 लिखा है, ठीक है। अगर मैं 1 × 15 लिख दूँ तो भी तो आंसर 15 होगा, सर बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं 7 + 8 लिख दूं तो भी आंसर 15 होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा अगर मैं यहां पर लेट से 12 + 3 लिख दूं तो भी 15 होगा, बिल्कुल सर 15 होगा। अगर मैं 5 × 3 लिख दूं तो भी 15 होगा सर।
अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 लिख दूं, आंसर तो भी 15 होगा। मतलब कि कितनी भी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। वैसे ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जरूरी नहीं कि पेपर में 15 ऐसे लिखा हुआ आएगा, 15 ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे 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 या किसी और तरीके से आ सकता है। आपको जज करना होगा कि हाँ इसका आंसर तो 15 है, इसको तो ऐसे कैलकुलेट करना है, यानी प्लस भी आना चाहिए आपको, माइनस भी आना चाहिए। माइनस भी हो सकता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ पाए, अपने कॉन्सेप्ट लगा पाए, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे मैथमेटिक्स में लगता है, वैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स लगेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में। तो इसीलिए एग्जाम्पल से मुझे काफी हेल्प मिली आपको एक व्यू दिखाने का कि ये हो सकता है आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में। अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज, अलग अलग कॉन्सेप्ट जिसको आप समझोगे, और फिर बाद में सभी को एक साथ लगाना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर में एग्जेम्पशन ला पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को सारे के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवाए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका 100% सिलेबस मैं करवाऊंगा आपको, जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, और जो फ्री में देख रहे हैं उनको 100% नोट्स फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। ये देखिए दोस्तों, पीएनएल आप सभी को मालूम है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पीएनएल बनाते हैं जनरली एक साल का, पर कॉस्ट अकाउंटेंसी में आप चाहें तो एक साल की जगह अपने कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स 6 महीने के देख सकते हो, 1 क्वार्टर के देख सकते हो, 1 महीने के देख सकते हो, 1 हफ्ते के देख सकते हो, 15 दिन के देख सकते हो, 10 दिन के देख सकते हो, कितने भी टाइम पीरियड के आप कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स देख सकते हो। यानी कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 1 हफ्ता लिखा है तो 1 हफ्ते के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा, 1 महीना लिखा है तो महीने के हिसाब से, क्वार्टर तो क्वार्टर के हिसाब से, तो जो पीरियड दे रखा है उस पीरियड के हिसाब से काम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपको बोला है कि 1 क्वार्टर में कितना सामान खरीदना चाहिए और आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर पूरे साल में जो खरीदना चाहिए वो क्वांटिटी लिखाओ। अभी कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट हाँ जो मैथमेटिक्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो 1 साल 6 महीने 1 महीने का एग्जाम्पल दिया, थोड़ा थोड़ा पिक्चर बन रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों को आता है, पीएनएल बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम, और वहां पर हम सेल्स लिखते हैं एक तरफ। आपको मालूम है सेल्स क्या होती है, जो भी इंसान बेच रहा है, चाहे वो क्रेडिट पर बेचे कैश पर बेचे, वो सेल्स होती है। हाँ, इसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न हो गई उसको माइनस कर लीजिए, बाकी क्या आ गई, नेट सेल्स आ गई। तो सेल्स यानी कि जो आपके पास आया या आएगा, बेच दिया है आपने, सामने वाले की ऑब्लिगेशन है, वो पैसे देगा आपको। और माइनस कर देंगे अगर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स आपने बेचे उसको बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगी, उसको बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगी, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जिस ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैरी डाउन करते हैं और यहां पर ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला करते थे, और फिर नीचे वाले को हम पीएनएल अकाउंट बोला करते थे, पर मॉडर्न टाइम्स में एक ही बनने लग गया, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल स्टेटमेंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप ब्रॉट डाउन करेंगे, उसके बाद आप और जो खर्चे होते हैं आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, वो सब आप यहां लिखते हैं डेबिट साइड पर। अगर कुछ और इनकम आ रही है आपकी, अदर इनकम, डिविडेंड की इनकम, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की इनकम, और कोई इनकम छोटी मोटी जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट बिजनेस ने कमाई है, तो अदर इनकम आप यहां लिखते हैं। और जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। तो यहां तक की बात तो आपको पहले से पता होगी जब आप 11th एंड 12th में पढ़कर आए हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे इन डेप्थ, यानी कि जो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, ये कैसे आया, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर आपका पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटेंसी बेस्ड है। तो इसको हमें इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी, इन डेप्थ समझना पड़ेगा। यहां देखते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिसमें कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, और यहां पर अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखेंगे तो पहले तो उसको समझते हैं ये होता क्या है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जिस भी पीरियड का आप ले रहे हो, लेट्स से कि आप अप्रैल मंथ का ले रहे हो, तो 1 अप्रैल को जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप अप्रैल मंथ का नहीं ले रहे, आप अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून क्वार्टर का ले रहे हो,
तो उस क्वार्टर में भी 1 अप्रैल को पहली तारीख आएगी, उस क्वार्टर का स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल को जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो परचेज करा, अगर 1 महीने का पीरियड है तो 1 महीने में जो परचेज किया, 1 क्वार्टर का पीरियड है तो 1 क्वार्टर में जो परचेज करा, 1 साल का पीरियड है तो 1 साल में जो परचेज किया, यानी कि जिस भी पीरियड का आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हो उस पीरियड में जो परचेज करी है रॉ मटेरियल की, वो आप यहां पर डालोगे। तो ओपनिंग इतना था, परचेज इतना किया और क्लोजिंग रॉ मटेरियल इतना बच गया, तो इसका मतलब बाकी का रॉ मटेरियल आपने प्रोडक्शन के लिए भेज दिया। समझ आई बात क्या बोला मैंने? दोबारा से समझिएगा इसको। रॉ मटेरियल मेरे पास ओपनिंग में कुछ पड़ा हुआ था, लेट से कि मैं कहता हूं 1000 क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई थी। अब मैं क्वांटिटी टर्म्स में बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान देना। हाँ ध्यान देना, आप जब आप क्वांटिटी टर्म्स में बात कर रहे हो तो आंसर क्वांटिटी में निकल कर आएगा, जब आप रुपी टर्म्स में बात कर रहे हो तो आंसर रुपी टर्म्स में निकल कर आएगा। कॉन्सेप्ट अपने खोल लो, ये क्लास आपके कॉन्सेप्ट खोलने के लिए रखी गई है। तो मैंने अभी लिखा कि 1000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल की थी, यहां पर आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज करे 50,000 रुपए के, तो आप 50,000 ऐड करोगे? नहीं, 50,000 रुपए के आपने रॉ मटेरियल परचेज करे, पर एक रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो थी 50 रुपए। तो फिर इसका मतलब आ गया कि आपने 1000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल की और परचेज करी है। समझ रहे हैं आप? 50,000 रुपीज के रॉ मटेरियल परचेज करे और 50 रुपी था पर क्वांटिटी, तो आ गया 1000 क्वांटिटी आपने रॉ मटेरियल की और परचेज करी। साल के एंड में आपके पास 100 क्वांटिटी बच गई, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अब मैंने साल का एंड बोला, मैं मान के चल रहा हूं 1 साल का पीरियड है। अगर यही मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूं तो क्वार्टर के स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल कितना, क्वार्टर में कितना परचेज करा और क्वार्टर के एंड में 30 जून को कितना। अच्छा सर, अगर क्वार्टर मेरा जून के बाद वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर वाला है, तो फिर 1 जुलाई को कितना रॉ मटेरियल, वो यहाँ आएगा। 30 सितंबर को कितना रॉ मटेरियल, यहाँ आएगा। और 1 जुलाई से 30 सितंबर में जो परचेज करा वो यहाँ आएगा। तो अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट खोल लो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया है। क्वांटिटी की टर्म्स में मैंने बात करी और मुझे यहां लग रहा है कि 2000 में से 100 घटाऊंगा, 1000 + 1000 2000 -100 घटाऊंगा, तो 1900 क्वांटिटी ऐसी है जो मेरी निकल गई, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी मेरी निकल गई। यदि मैं डायरेक्टली खरीद कर बेचता हूं माल, तो फिर तो मैंने इस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करी होगी, यानी कि मैंने 1900 क्वांटिटी सेल कर दी। बट यदि मैं रॉ मटेरियल से प्रोसेस कर कर कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1900 क्वांटिटी मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गई होगी और वहां पर 1900 क्वांटिटी मैंने अपने प्रोसेस में डाली होगी, जिसके बाद मैंने फिनिश प्रोडक्ट बनाया होगा और फिर मैंने फिनिश प्रोडक्ट को सेल किया होगा। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि जब हम डायरेक्ट सेल करते हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती, और जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पर हम कुछ इनपुट डालते हैं, इनपुट डालने के बाद उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद हो सकता है कि हम एक ही प्रोसेस में ले जाकर उसका फिनिश प्रोडक्ट बना दें, या ये भी हो सकता है कि हम एक प्रोसेस से निकालें फिर दूसरे प्रोसेस में डालें और उसके बाद हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो, यानी कि एक प्रोसेस या एक से ज़्यादा प्रोसेस होने की चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इनडेप्थ डिस्कशन करेंगे आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में। फिलहाल आपका माइंड मेकअप करना था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है, और यहाँ पर जो प्रोसेस के बीच में क्वांटिटी बच जाएगी, जैसे ही आपका पीरियड एंड हो रहा है, अगर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो क्वार्टर एंड, अगर हम दिन की बात कर रहे हैं तो डे एंड, अगर हम वीक की बात कर रहे हैं तो वीक एंड, मंथ की बात कर रहे हैं मंथ एंड, ईयर की बात कर रहे हैं ईयर एंड, और 6 महीने की बात कर रहे हैं तो जब 6 महीने कंप्लीट होंगे, यानी कि जो भी पीरियड की बात कर रहे हो उसके एंड पर जो क्वांटिटीज प्रोसेस के बीच में रहेगी, इन प्रोसेस के बीच में एंटर तो कर गई है पर निकली नहीं है, उन्हें बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी इन यूनिट्स पर काम चल रहा है, इन यूनिट्स पर कुछ ना कुछ लेबर ने भी काम किया होगा,
पूरा काम नहीं किया, अगर पूरा कर देते तो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता। ये हो सकता है कि कुछ ऐसी यूनिट है जो प्रोसेस वन में पड़ी हुई है, कुछ ऐसी है जो प्रोसेस टू में पड़ी हुई है, बट अभी पूरी बनकर तैयार नहीं हुई है, तो उन सभी को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। यहां पर एक बात गौर करना, जितने रॉ मटेरियल, अभी मान के चल रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, तो जितने हमारे रॉ मटेरियल इस प्रोसेस में आए, यानी कि 1900 क्वांटिटी प्रोसेस में आई, तो उस क्वांटिटी को हमने डाला, आ गई मतलब डाल दिया ना, प्रोसेस में डालने के लिए आई, वहां पर पता लगा कि 1900 क्वांटिटी में से 1800 क्वांटिटी पर प्रोसेसिंग हो गई और हमारे फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गए। दूसरी तरफ हमारी 100 यूनिट जो है अभी, उस पर काम चल रहा है, 50% काम हुआ है, 40% काम हुआ है, यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज हम काम कर चुके हैं, बाकी हम करेंगे, बट क्योंकि हमारा पीरियड एंड हो गया और उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा सिर्फ इतना ही काम हुआ था इन 100 यूनिट्स पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। सर एक बात बताइए, जब हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा तो उस टाइम ये जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ये मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, यानी कि जब मेरा पीरियड कंप्लीट हुआ तब ये मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, इतना इतनी यूनिट्स पर काम चल रहा था। पर जैसे ही मेरा अगला दिन स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा, जैसे मान लेते हैं कि अप्रैल मंथ का एंड हो गया 30th अप्रैल, तो 30th अप्रैल को मेरी 100 क्वांटिटी का वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ था। पर जब मैं 1st मई की बात करूंगा तो मैं कहूंगा अच्छा ये 1st मई का ओपनिंग है, जो 30th अप्रैल का क्लोजिंग था वो 1st मई का ओपनिंग है। अब जब मैं 31st मई की बात करूंगा तो 31st मई को भी हो सकता है कि जब प्रोसेस चल रहा था तो कुछ क्वांटिटीज प्रोसेस में गई पर फिनिश प्रोडक्ट बनकर नहीं निकली, तो उसे मैं बोलूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, पहले मैंने आपसे पिछले महीने की बात करी, अब मैं आपसे प्रेजेंट मंथ की बात कर रहा हूं, मई मंथ की बात कर रहा हूं। अपने एग्जाम्पल ऐसे चेंज होते रहेंगे पीरियड के हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपना खोलना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मई मंथ के लिए जो अप्रैल 30 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था वो 1st मई का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, और फिर मैंने मई मंथ में, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने 1900 क्वांटिटी फिर से डाली अगले महीने, और 31 मई तक मेरी 1700 क्वांटिटी मई के मंथ में प्रोसेस हुई और फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गई। ये जो पुराना एग्जाम्पल था अप्रैल का था, इसको हटा दो, अब मई का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें 1700 क्वांटिटी मेरी प्रोसेस होकर फिनिश प्रोडक्ट बन गई, ओपनिंग जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस था 100 क्वांटिटी पे काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, अभी भी मेरी क्लोजिंग में 300 क्वांटिटी ऐसी है जिस पर काम चल रहा है। सर ये आपने कैसे निकाला, अरे बहुत सिंपल है, मैंने कहा कि मैंने 1900 क्वांटिटी एंटर करी प्रोसेस में, समझ गए आप, 1900 न्यू क्वांटिटी मैंने एंटर करी प्रोसेस में, बट उससे पहले 100 क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी थी प्रोसेस में जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगी, तो 100 क्वांटिटी ओपनिंग में पहले से जिस पर काम चल रहा था, 1900 मैंने नया रॉ मटेरियल डाल दिया जिसका मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा उस पर काम करके, और जब मैं फिनिश प्रोडक्ट बना रहा हूं और खर्चे लग रहे हैं, लेबर काम कर रही है, लेबर की कॉस्ट लग रही है, जो पावर है वो पावर लग रही है, जो फैक्ट्री में तमाम खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे लग रहे हैं क्योंकि काम चल रहा है, मैन पावर काम कर रही है, मशीन काम कर रही है, पावर लग रही है, इन 1900 क्वांटिटीज पर काम चल रहा है, और जो 100 क्वांटिटी ओपनिंग में थी उस पर भी कुछ काम हो चुका था, कुछ और चल रहा है, तो 100 क्वांटिटी ओपनिंग में थी, 1900 मैंने और डाली और 300 मेरी एंड में बच गई रॉ मटेरियल, जिसको इंसर्ट तो कर दिया है पर फिनिश प्रोडक्ट अभी बनकर नहीं निकला है, यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 300 क्वांटिटी का है। तो 100 क्वांटिटी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में थी, 1900 मैंने ऐड करा 2000, माइनस किया 300, तो आया 1700 क्वांटिटी ऐसी है जो फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकल गई, और इस 1700 क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी ऐसी है जो ओपनिंग WIP था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, जिसको मैंने पहले पूरा किया और पूरा करने के बाद मैंने इसको फिनिश प्रोडक्ट बनाया, और 1600 क्वांटिटी ऐसी है जो ये 1900 क्वांटिटी इस बार डाली थी इस महीने, उसमें से 1600 क्वांटिटी बनकर तैयार हो गई और 300 क्वांटिटी अभी बची हुई है,
क्योंकि उस पर पूरा काम नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, इस चीज को अगर आप समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर हो जाएगी। जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो मैं सिर्फ रॉ मटेरियल की ओपनिंग की बात करूंगा, रॉ मटेरियल परचेज की बात करूंगा, रॉ मटेरियल क्लोजिंग की बात करूंगा और पता लगाऊंगा कि कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए गया है। जब मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा तो मैं वहां ये देखूंगा कि यहां पर तो रॉ मटेरियल आता है तो वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है। रॉ मटेरियल को मैं मशीन में डालता हूं तो वो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है। तो यहां मैं वर्क इन प्रोग्रेस की बात करता हूं कि ओपनिंग में इतना वर्क इन प्रोग्रेस था और रॉ मटेरियल की मैंने एडिशन करी प्रोसेस में, क्लोजिंग में मेरा इतना वर्क इन प्रोग्रेस जिस पर काम चल रहा है, पीरियड कंप्लीट हो गया पर काम पूरा नहीं हुआ, वो मेरा यहां पर पड़ा हुआ है, तो कितना मेरा फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकला। जब फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकल जाएगा तो इसका मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। यहां पर मेरा स्टॉक पड़ा है फिनिश प्रोडक्ट का, जैसे जैसे सामान बनकर निकलेगा यहां पर ऐड होते रहेगा। अगर मैं फिनिश प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करूंगा तो फिनिश प्रोडक्ट का भी हो सकता है कि कुछ मेरे पास सामान बनकर रेडी हो, बेचने के लिए तैयार हो, कुछ मेरे पास यहां पर मैन्युफैक्चर होकर आया हो जिसको मैं एडिशन बोलूंगा, और कुछ मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट का क्लोजिंग बचा हो, तो बैलेंस आ जाएगा कि कितने फिनिश प्रोडक्ट की मैंने सेल्स करी है क्वांटिटी टर्म्स में, रुपी टर्म्स में नहीं, क्वांटिटी टर्म्स में। अगर मैं स्टॉक क्वांटिटी में ले रहा हूँ, एडिशन क्वांटिटी में ले रहा हूँ, क्लोजिंग फिनिश प्रोडक्ट क्वांटिटी में ले रहा हूँ, तो सेल्स भी मेरी क्वांटिटी में निकल कर आएगी। तो यानी कि जब आपके क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की बात करोगे तो उसमें फिनिश प्रोडक्ट मिक्स मत कर देना, जब आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, उसमें एडिशन आएगी रॉ मटेरियल की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा और फिनिश प्रोडक्ट जो बनकर निकला वहां तक की बात आएगी। और जब फिनिश प्रोडक्ट की बात करोगे तो जो बनकर तैयार हो चुकी है बट बिकी नहीं है, वो आपका ओपनिंग इन्वेंटरी, आपने और एडिशन करी और साल के एंड में या पीरियड के एंड में, जो कि साल भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 15 दिन, 10 दिन, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है, जिस पीरियड की बात करोगे उसका स्टार्टिंग, उसका एंड और उस पीरियड में क्या एडिशन करी, उसके हिसाब से आप देख लोगे कि हाँ इतनी क्वांटिटी की इस पीरियड में सेल हुई है। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंसी की महारत हासिल करने के लिए आपको ये सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर मैं आपको बोलूंगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बताओ, यहां मैं बोलूंगा ओपनिंग WIP की कॉस्ट बताओ, यहां मैं बोलूंगा क्लोजिंग WIP की कॉस्ट बताओ, फिनिश प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करे हैं उसकी कॉस्ट बताओ, या फिर जो फिनिश प्रोडक्ट आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर मैं ले आया। अल्टीमेटली जो आपका P&L बनता है उसमें सिर्फ सेल्स के सामने जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है वो इस फिनिश प्रोडक्ट की आती है। यहां पर आप ये नहीं देख सकते कि जो आपके सेमी फिनिश प्रोडक्ट हैं, जो एक प्रोसेस पे बनकर काम हो गया, दूसरे पर काम होना बाकी है, या जो वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ है उस पर कितनी कॉस्ट लगी है, उसकी इनडेप्थ चर्चा नहीं होती। ये सबका नंबर जो है कैलकुलेट कर कर आता है, बट आप इंडिविजुअल एक एक चीज में इनडेप्थ में जाओगे तो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी में चीजें आएगी, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आपको इतना क्लियर हो गया है कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हम इनडेप्थ में चर्चा कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको वापस से अपने नोट्स में लेके चल रहा हूं और उन नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर हम वापस आ गए हैं अपने नोट्स में, और यहां नोट्स में मैं आपको फिर आराम से अब बताता हूं कि हम कहां से स्टार्ट करे थे और कहां चले गए। हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था जहां पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, जैसे मैथमेटिक्स में नहीं होता वैसे यहां नहीं होता। मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यहां भी फॉर्मूलेज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और कौन से फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन किसके साथ लगाना है वो आपके दिमाग पर निर्भर करता है। यानी कि जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर चलना है वो आपके दिमाग पर निर्भर करता है। यहां देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, परचेज करा रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है यानी कि रॉ मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन के लिए भेजा, जो आपने प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल भेजा, उस रॉ मटेरियल पर ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने यहां लिखी है, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपने भेजा उसमें अभी और ऐड होगा लेबर कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल जाएगी तो उसपे लेबर काम करेगी, उसपे ऐड होंगे फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे, ओवरहेड का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगती है।
रॉ मटेरियल यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो रॉ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं यह है डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि आप अगर वुड की चेयर है तो उसमें आप वुड देख सकते हो, फेविकॉल नहीं देख सकते, कीलें वगैरह इतनी ट्रेस आप नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, बट वुड आप देख सकते हो। समझ रहे हो आप, जो भी चीज है जिसमें आप चीजों को ट्रेस कर सकते हो वो उसका होता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। और भी सामान लगता है छोटा मोटा फैक्ट्री में जब काम होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जो भी आपका इनडायरेक्ट चीजें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, किसी भी तरीके के ऊपर के खर्चे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारे के सारे अगर फैक्ट्री में इनकर हो रहे हैं तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इनकर हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलेंगे। सेलिंग के लिए हो रहा है तो सेलिंग ओवरहेड बोलेंगे। सर सेलिंग ओवरहेड क्यों होता है? क्योंकि जो सेलिंग है वो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा नहीं होता डायरेक्टली, उसे बेचने में खर्चा करते हैं। तो जो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो सबका सब ओवरहेड होता है। और जो डायरेक्टली रिलेटेड है उसमें तो सिर्फ तीन ही चीज आती है, डायरेक्ट मटेरियल जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर जिसको लेबर कॉस्ट बोलते हैं, जो कि लेबर वहां पे काम कर रही है, चाहे वो मैनुअली काम करे या फिर लेबर मशीन की हेल्प से काम करे, बट जो डायरेक्टली लेबर इंडल्ज है, जो डायरेक्टली लेबर लगी हुई है, उसे मैं लेबर कॉस्ट में आपको पढ़ाऊंगा। तो यानी कि जो रॉ मटेरियल निकला उसके बाद लेबर की कॉस्ट लगी, उसके बाद फैक्ट्री में और ऊपर के खर्चे हुए, कुछ पावर लगी मशीन चलाने की, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लग रही है, जो भी तमाम खर्चे हो रहे हैं, कुछ मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ था, कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचेगा। कहने का मतलब, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल डिस्पैच्ड फॉर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल गिवन फॉर प्रोडक्शन। उसमें कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, उसकी कॉस्ट मैंने प्लस और माइनस कर दी, तो मुझे पता लगा इतने रॉ मटेरियल पर मेरा फिनिश प्रोडक्ट बन गया है, पर बनाने के लिए कुछ लेबर कॉस्ट भी लगी है, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगे हैं। और ऐसे करने के बाद आपको पता लगा कि हाँ, फिनिश प्रोडक्ट की ये कॉस्ट लगी है, और साथ में अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं, यानी कि जो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हो, अगर प्रोडक्ट का ढांचा आपने दिया, प्रोडक्ट को आपने एक शेप दी, और उस शेप के लिए जो आपने मोल्ड लेकर आए हो, जिससे आप शेप देते हो प्रोडक्ट की, अगर आप उसकी रॉयल्टी पे कर रहे हो किसी इंसान को, जैसे कि पेन होता है, पेन की भी शेप है, कोई प्रोडक्ट बनता है उसकी शेप बनती है, शेप को पेटेंट करवाने के बाद आगे दे दिया जाता है कि इस शेप का आप बनाना चाहते हो तो मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो वो प्रोडक्ट में मटेरियल नहीं है, वो प्रोडक्ट में लेबर कॉस्ट नहीं है, बट डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट से, तो इसके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, मोल्ड यानी कि शेप देने का ढांचा, तरीका शेप देने का ढांचा। इसके बाद आपने जो फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे हैं उसकी कॉस्ट आ जाती है। ध्यान देना, अभी भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आई है, अभी सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करे हैं उसकी कॉस्ट आई है। जब इसमें आप ओपनिंग फिनिश प्रोडक्ट करोगे प्लस और फिनिश प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करे हैं उसकी कॉस्ट डाल दी, जो अभी हमने निकाली, और माइनस करोगे क्लोजिंग फिनिश प्रोडक्ट जो बचे हुए हैं, तब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी। तो इस बात को आप यहाँ पे नोट्स में अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर आप फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट करोगे। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पर जो ओवरहेड लिखा हुआ है, इसको मैंने जो आपको बताया था, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी चीजें जो हैं आपके ओवरहेड्स होते हैं। अगर फैक्ट्री में करे गए तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में करे गए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग के लिए करे गए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये जो आपने परचेज करी रॉ मटेरियल की, इस कॉस्ट को मैं फिर और बड़ा कर लूंगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए भी आपने रॉ मटेरियल को ऑर्डर किया होगा, ऑर्डरिंग की कॉस्ट, परचेज प्राइस पे करी होगी, परचेज प्राइस की कॉस्ट। फिर आप रॉ मटेरियल को अपनी इन्वेंट्री में रखोगे, और इन्वेंट्री में रखने की भी तो कॉस्ट लगेगी, वहां पर कोई देख रेख कर रहा होगा आपके इन्वेंट्री में, जो स्टॉक संभालता है वो देख रेख कर रहा होगा, उसको कैरी करेगा, वहां भी बिजली पानी लगेगा, वहां भी बिजली लग सकती है, वहां भी मेंटेनेंस लग सकती है। जो आपका स्टॉक मेंटेन हो रहा है उसको रखना है, साफ सफाई करनी है, उसको रखने की भी तो कॉस्ट इनकर होगी। सो दैट मीन्स
कॉस्ट, फिर उसके अंदर सब कॉस्ट, उसके अंदर और कॉस्ट, उसके अंदर और कॉस्ट, कितना भी इन डेप्थ आप जा सकते हो। जब लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे तो लेबर कॉस्ट के अंदर चले जाएंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर चले जाएंगे, ओवरहेड पढ़ेंगे तो ओवरहेड कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं, उसमें चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट, हर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहां तक की बात आपको समझ में आई है, बेसिक मैंने आपका सिर्फ बताया अभी तक। आगे हम पढ़ते हैं व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे बड़ा सवाल है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है तो है क्यों। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो मैंने आपको अभी करवाया है ये सिर्फ बेस बनाने के लिए कराया है। डिटेल में जब कराएंगे तो फिर से सारी चर्चाएं दोबारा होगी, फिर से सारी चीजें डिटेल में आपको करवाई जाएगी। अभी सिर्फ जिसको समझ में आया, ओवरव्यू समझ में आया, उतना ही था इसमें, ओवरव्यू समझने जितना ही था। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों है सबसे बड़ा सवाल, हमें चाहिए डिटेल्ड कॉस्ट डेटा। अगर कोई बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है तो डिटेल्ड चाहिए, क्यों, ताकि हमें हेल्प हो एनालाइजिंग कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। जब हम ईच आइटम की कॉस्ट को एनालाइज कर पाएंगे तभी तो हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि क्या हमारी कॉस्टिंग किस चीज में ज्यादा आ रही है, रॉ मटेरियल में आ रही है, लेबर में ज्यादा कॉस्ट आ रही है, ओवरहेड ज्यादा लग रहे हैं, और क्यों ज्यादा लग रहे हैं, कारण क्या है, उस कारण को दूर करेंगे। समझ रहे हो आप, ये हमें कॉस्टिंग का डिटेल्ड डेटा जो चाहिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलता है, और इससे हम इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है अपना, और डिसीजन लेकर अपनी कॉस्ट को और रिड्यूस कर सकती है। इसी कॉस्ट रिड्यूस करने पर एक आपकी बुक में डिफरेंस दे रखा है, और अच्छा भी है, एक कॉन्सेप्ट भी है जो आपको समझ आना चाहिए कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। देखिए, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि मेरी कॉस्ट इतनी रहनी चाहिए, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट की मुझे 100 रुपये पर यूनिट पर लानी है, ये आपने स्टैंडर्ड बनाया है। अब उस स्टैंडर्ड के विदिन आप अपनी कॉस्ट ला पाओ तो उसके लिए जो चीजें आपको करनी पड़ेगी उसे कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे मैं कॉस्ट कंट्रोल कर रहा हूं, यानी कि जो मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड सेट करे मैं उसके विदिन अपनी कॉस्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं, यह है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है आपने सेट करे हैं, ये जो 100 रुपये पर यूनिट का स्टैंडर्ड सेट करा है, मैं इस स्टैंडर्ड को भी और कम कर सकता हूं। हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर हम उसको लेकर आएंगे तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो 100 की जगह पर 70 रुपये पर यूनिट पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप चैलेंज करते हो कि ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं रिड्यूस हो सकता, क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा प्रोसेस लगाएं, क्या हम चीजें करें, मॉडर्नाइज करें टेक्निक से, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ही रिड्यूस हो जाए, तो उसको रिड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं। ये चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड जो भी हमने सेट करें प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, फ्यूचर में हम इस कंडीशन को चेंज कर देंगे, अपनी प्रोसेस को चेंज कर देंगे, उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स और कम होने चाहिए। वो कैसे करें वो सारी चर्चा कॉस्ट रिडक्शन वाला डिपार्टमेंट करता है, या ये अप्रोच करती है। कॉस्ट कंट्रोल में तो आप सिर्फ पास पर फोकस करते हो कि ये मैंने स्टैंडर्ड सेट करे और ये मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर आपने स्टैंडर्ड के विद इन कॉस्ट को मीट कर लिया तो इसका मतलब आपने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हालांकि कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा नहीं है, आप प्रेजेंट पर फोकस करते हो, मेरा करेंट परफॉर्मेंस क्या है, मेरी करेंट स्टैंडर्ड्स क्या है, और फ्यूचर में आप नए स्टैंडर्ड्स कैसे सेट कर सकते हो, नया स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उस पर ये बात करता है। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है जो कि प्रिवेंट करता है कि आपकी कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा ना हो जाए, जबकि कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है। वो कहता है यार ये जो स्टैंडर्ड सेट करें ये गलत तो नहीं है, क्या ये स्टैंडर्ड और करेक्ट होने चाहिए, क्या और कम हो सकते हैं, उसकी चर्चा कॉस्ट रिडक्शन करता है, ये स्टैंडर्ड को भी करेक्ट कर देता है। इट एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव्ड। आपने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया, आपका काम हो गया, बट कॉस्ट रिडक्शन में आपने स्टैंडर्ड को करेक्ट किया तो आप स्टैंडर्ड को फिर करेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में, और करेक्ट करते रहोगे, हर बार चैलेंज करते रहोगे, करेक्ट करते रहोगे। इसके लिए इसका कोई भी विजिबल एंड नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा अभी कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट रिडक्शन क्या है, उसमें आपको समझाने की कोशिश करिए। अब ये जो वर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रहा है इसका आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है, फिलहाल यहां पर मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
आपने पर यूनिट कॉस्ट बना लिया कि मटेरियल का जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट, समझ रहे हो, पहले तो मैंने 100 रुपये पर यूनिट बोला, तो 100 रुपये पर यूनिट फिनिश प्रोडक्ट का बोला, ये किसी और प्रोडक्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट का, और मैं आपको यहाँ पर ब्रेकअप के साथ बता रहा हूँ कि जो रॉ मटेरियल है वो 1000 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा की मेरी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जो लेबर मैं काम करवाऊंगा वो मैं 50 घंटे, 1 यूनिट से ज़्यादा मेरे लेबर का ना लगे ये मेरी कोशिश होनी चाहिए, और 1 घंटे के मैं 100 रुपये से ज़्यादा लेबर को ना दूं ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है, यानी कि 2 स्टैंडर्ड सेट करें, एक लेबर की रेट क्या होगी, दूसरा लेबर के आवर्स कितने होंगे 1 यूनिट को बनाने के लिए। तो 2 स्टैंडर्ड मैंने यहाँ सेट करे हैं। तीसरा, मैंने कहा जो मेरे ऊपर के खर्चे लग रहे हैं वो मैंने बोला कि 50 घंटे एक प्रोडक्ट पर मेरे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है, और 1 घंटे का मैं चार्ज करूंगा 10 रुपये पर लेबर आर, यानी 1 घंटे काम करने के मेरे 10 रुपये और इनकर होंगे, और एक प्रोडक्ट के लिए लेबर 50 घंटे ही काम करे, ऐसा आपने ओवरहेड का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। इसका मतलब नहीं समझ आया थोड़ा बहुत? देखिए, जब लेबर काम करेगी तभी तो आपका पावर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, जब काम ही नहीं हो रहा तो ऊपर के खर्चे नहीं हो रहे, समझ रहे हो। लेबर काम कर रही है तभी तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगा रही है, कीले वगैरह भी ठोक रही है, फेविकॉल वगैरह भी लगा रही है, समझ रहे हो आप। तो जब लेबर काम कर रही है तो उससे कोरिलेट कर लिया ओवरहेड को, मैंने ओवरहेड को कोरिलेट करा, जहां पर ओवरहेड जिससे कोरिलेट होते हैं वहां पर फिक्स कर लेते हैं। लेबर आर होता है, कभी मशीन आर हो सकता है, जहां पर मशीन से कोरिलेट करना आसान है वहां मशीन से करते हैं, जहां पर यूनिट से आसान है वहां पर यूनिट से करते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्पल में लेबर से रिलेट कर लिया कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगी तो मेरा 10 रुपये का ऊपर का खर्चा और आएगा पावर इलेक्ट्रिसिटी का, और 50 घंटे एक प्रोडक्ट पर काम होगा, ऐसे मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है। अब एक्चुअल की जब मैंने बात करी पर यूनिट की, तो एक्चुअल मेरा मटेरियल 800 रुपये में परचेज कर लिया मैंने, मुझे अच्छा सप्लायर मिल गया और मैंने 800 रुपये में मटेरियल परचेज कर लिया 1 यूनिट। जब मैंने लेबर की बात करी तो मैंने 40 घंटे में 1 यूनिट के हिसाब से लेबर ने काम कर दिया, 40 घंटे में 1 यूनिट बनाने में सक्षम हो गई। हालांकि जब लेबर की रेट की बात आई तो मुझे 110 रुपये उसको 1 घंटे के देने पड़े, क्योंकि लेबर उस टाइम कम में काम करने के लिए नहीं मान रही थी, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट करा था अपनी पास रिजल्ट को देखकर वो बीट हो गया, लेबर की शॉर्टेज थी और मुझे 110 रुपये पर आवर देने पड़े। जो ओवरहेड है, क्योंकि लेबर ने 40 घंटे काम किया तो 40 घंटे के लिए मेरे ओवरहेड इनकर हुए, पर जो एक्चुअल में बिल आया तब मुझे पता लगा कि 19 रुपीज लग गया मेरा 1 घंटे का, 19 रुपीज मेरे पर आर के हिसाब से लग गए। तो एक्चुअल बिल अलग आ सकता है ना, जब आप पावर का एस्टीमेट लगाते हो कि इतना होना चाहिए और जब एक्चुअली में पावर आता है तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। अब यहां जो डिफरेंस आया इसको हम वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल का जो वेरिएंस है, 1000 रुपये सेट करा, 800 में खरीदा तो 200 रुपये पॉजिटिव आया, लेबर का जो था 600 रुपये पॉजिटिव आया। हाँ, हालांकि इसमें यह अलग है कि आप अगर आवरली देखोगे तो आवरली में पॉजिटिव आया, और अगर रेट के हिसाब से देखोगे तो 100 रुपये की रेट 110 रुपये की रेट हो गई, तो उसमें नेगेटिव आया, पर दोनों का मिलाकर 600 रुपये का मुझे गेन नहीं हुआ। 50 मल्टीप्लाई बाय 100 5000, 40 मल्टीप्लाई बाय 110 4400, यानी 600 रुपये का मुझे गेन नहीं हुआ, मेरी कम कॉस्ट आई। ओवरहेड में मेरे को 260 का लॉस हुआ। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 50 आवर्स के हिसाब से 10 रुपये पर आवर के हिसाब से मुझे ऊपर के खर्चे लगने थे, ये मेरा स्टैंडर्ड था, यानी कि 500 रुपये एक प्रोडक्ट पर लगने थे, और लगे कितने 40 आवर्स लगे, बट 19 रुपये के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट आई पावर इलेक्ट्रिसिटी की ऊपर के खर्चों की। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 500 माइनस 760 हो जाएगा, यानी कि 260 रुपीज ज्यादा कॉस्ट लग गई। तो मतलब ओवरहेड का नेगेटिव आया वेरियंस, लेबर का पॉजिटिव आया, मटेरियल का पॉजिटिव आया, सबका मिलाकर ओवरऑल जो मैंने कॉस्ट फिक्स करी थी एक प्रोडक्ट की उसमें 540 की बचत ही कर ली एक्चुअली में। अब कॉस्टिंग में आपको देखना पड़ेगा कि 540 की बचत हुई तो कैसे हुई, मटेरियल में सेविंग हुआ, लेबर में हुआ, ओवरहेड में हुआ, कैसे हुआ, और उसमें भी किस वजह से हुआ, कम घंटों में काम किया लेबर ने या फिर कम आवर पे चार्ज किया, प्राइस कम कर दी सिमिलरली ओवरहेड के लिए। तो ये जितनी टेक्निकलिटीज हैं ये सारी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया है कि आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, तो हम उसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में डिटेल में करेंगे, जिसमें मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल में कितना बचत किया, लेबर में कितना किया, किस कारणवश किया, ओवरहेड में कितना किया, या एडवर्स आया, फेवरेबल आया, एडवर्स आया, तो उसकी चर्चा हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस
With the help of this analysis, we can set new standards for next period. चाहे जो भी आपका period हो, चाहे weekly की बात करें, weekly standard fix करें, monthly करें, quarterly करें, yearly करें, 2 साल के करें, जैसे मर्जी करें. पर अगर आपके पास ये analysis होगी, तो इससे इसके basis पर आप नई standard set कर पाएंगे. आपको लग रहा है अच्छा material तो सस्ता हो गया है ना, तो मैं standard material का 800 रुपए कर देता हूँ. क्योंकि मार्केट ऐसा था कि अब मेरा मटेरियल सस्ते में मिलना स्टार्ट हो गया है. जो मेरा रॉ मटेरियल है सेम क्वालिटी का, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, बट मटेरियल सस्ता हो गया. तो समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? आप नए स्टैंडर्ड सेट कर पाते हो जब आपके पास ये सारा डेटा होता है, इसकी आप एनालिसिस कर सकते हो. हे ड्यूड, दिस इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट. जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, अप्लाई योर माइंड एंड हेल्प योर क्लाइंट्स to solve their cost related problems. आपको पता है रॉ मटेरियल क्या होता है, आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, आपको पता है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, आपको पता है फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे चलता है, आपको पता है स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको पता है बजट्स भी बनाने होते हैं, आपको पता है कि वेरियंस भी हो सकता है, आपको पता है वेरियंस के जो कारण है उसमें आप रेट का भी कारण हो सकता है, रेट कम ज्यादा होने से या आवर कम ज्यादा काम करने से भी हो सकता है. इतनी सारी चीज आपको पता है तो फिर क्या दिक्कत है? उसमें दिमाग लगाओ जब सारी चीजें पता है, और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे दो. समझ रहे हो आप? सारी चीजें छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा कर कर हमने पढ़ी एक एक कॉन्सेप्ट, और जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाकर अपना देखो कि हाँ इसमें ये सजेशन दे सकते हैं, ऐसे कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, ये कारण है कि कॉस्ट में वेरियंस क्यों आया है, या कॉस्ट आपकी ज्यादा क्यों आई है, या क्या ऑप्शन बेनिफिट रहेगा क्लाइंट के लिए, वो आप बता सकते हो अगर आप ये सारी चीजों को एनालाइज करने में सक्षम हो. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये रिलेशन है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो प्लान कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं, वो बजट सेट कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं. बजट कैसे सेट करते हैं उसका चैप्टर है बजटरी कंट्रोल. बजट अलग चीज है, स्टैंडर्ड अलग चीज है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप वेरियंस देखते हैं, बजट में आप सिर्फ बजट बनाना सीखते हैं कि ये बजट, बजट तो बिल्कुल ही बिल्कुल प्लानिंग स्टेज में बनता है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और बजट को रिवाइज करते हैं नेक्स्ट वाले क्वार्टर का, नेक्स्ट वाले पीरियड का. पीरियड बोलूंगा, क्वार्टर नहीं बोलूंगा, क्योंकि पीरियड कुछ भी हो सकता है, क्वार्टर, वीकली, डे, जिसका बनाना है भाई उसका बना देंगे. जिस टर्म्स में आप बोलोगे उस टर्म्स में बात करेंगे. दिन की बात बोलोगे दिन में करेंगे, हफ्ते की बात करोगे हफ्ते में बोलेंगे, महीने का बोलोगे तो महीने के हिसाब से बोलेंगे. जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे उस हिसाब से बात करेंगे. क्वांटिटी बोलोगे क्वांटिटी टर्म्स में बात करेंगे, अमाउंट बोलोगे अमाउंट टर्म्स में बात करेंगे, जैसे बोलोगे वैसे बात करेंगे. जो डिसीजन मेकिंग की एनालिसिस है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में करेंगे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रोवाइड करता है डेटा वो हिस्टोरिकल होता है, वो पास्ट का होता है कि ये एक्चुअल में बिल आ गया, ये एक्चुअली में चीजें हो गई और उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया, मोटा मोटी ये हुआ है. एक्चुअल डेटा को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. हालांकि कुछ प्रोविजन भी बनता है, बट वो प्रोविजन का जो एस्टीमेट होता है वो भी किसी ना किसी बेसिस पर बनता है, यानी कि फ्यूचर में बिल आ जाते हैं उस बेसिस पर प्रोविजन बनता है. थिंग्स ऑलरेडी जो हो चुकी है और बिल आ गई है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होता है. यहां पर है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग जो यूज है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है, ताकि वो अपनी कॉस्ट को एस्टीमेट कर सके, प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर सके. आज मुझे प्रोडक्ट निकालना है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लगेगी मालूम नहीं है, मुझे सेट करनी है प्राइस, मैं कितने में बेचूं, तो आपको कॉस्टिंग रिकॉर्ड चाहिए कि फिलहाल ये कॉस्ट लग रही है, इतने पे हम काम करेंगे, इस स्केल पर काम करेंगे, इस एक्टिविटी लेवल पर हम काम करेंगे, 60% कैपेसिटी पे चलाएंगे. अगर 100 बना सकते हैं तो 60 अभी बनाएंगे, बाद में ज्यादा भी बनाएंगे, बट अभी हम 60 के लेवल पर काम करेंगे जिसमें हमारी इतनी कॉस्टिंग आएगी, इतनी कॉस्ट लगेगी, एस्टिमेटेड पावर इतना लगेगा, इतने यूनिट्स कंज्यूम होंगे. सब कुछ आप एस्टिमेशन के बेसिस पर काम करते हो. एक्चुअल आता है तो फिर अपना एस्टिमेट चेंज करते हो नेक्स्ट पीरियड के लिए. उससे आप अपनी प्राइस को सेट कर सकते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतनी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये प्राइस सेट करते हैं सही रहेगा. फिर एक्चुअली में कुछ और भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन भी हो सकती है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मैनेजर्स यूज कर सकते हैं, इवन व्हेन एक्चुअल बिल इज नॉट रिसीव्ड एंड वी डू नॉट नो कि एक्चुअल में क्या होने वाला है. तो समझ रहे हो आप, ये रिलेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे और चीजें पढ़नी. आज की क्लास में आपका बेस मैंने बनाने की कोशिश करी कॉस्ट अकाउंटिंग का.
अगर आपके स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाए कि हाँ हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, तो फिर हम जल्दी से जल्दी कॉस्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट कर पाएंगे और एग्जाम में एग्जेम्पशन ला पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट हैं। तो कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं कॉपी की बात करूं तो कॉन्सेप्ट कॉपी तो 50 पेज की भी बन सकती है। 50 पेज में आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी हो जाएगा, जिसको वो आता है अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। तो बस उतना ही पढ़ना है, और मैं उतना ही पढ़ कर गया था, सीए फाइनल तक भी उतना ही पढ़ कर गया था। जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे इंटरमीडिएट के, वही मुझे फाइनल में काम आए। सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च करके वहां पर कुछ 30 मार्क्स का और सेक्शन था, वो मैंने बीकॉम में पढ़ा हुआ था, तो मुझे वो काम आ गया। तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने दिमाग खोल के रखने और एक एक चीज को समझना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है।